दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। तो दोस्तों, ये चंडी माता का मंदिर है और हम चंडी माता मंदिर से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे दोस्तों, और हम सीधे पहुँचेंगे वो मठ आलमगढ़ का, जो मठ बताया जाता है वहाँ। वो भी बताते हैं कि चंडीकालीन दोस्तों झरना हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं उस मत की ओर। रास्ता बहुत ही खतरनाक है और हमारे छोटे पाए चल ना पाए, मदद करना पड़ेगा हमको। हाँ बोल रहे हैं, हाँ बताओ, आ जाइए धीरे धीरे आगे बढ़ चले। पर्वत के नीचे चंडी देवी का मंदिर और ये नाला नव लोग आए हुए हैं बनाने के लिए। चलिए चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है चंदेलों की निर्माण शाला। यहाँ पर इन पत्थरों को रूप दिया गया, आकार दिया गया, क्योंकि ये विशाल विशाल यहाँ पर चट्टानों का पहाड़ है। यहाँ से वहाँ तक चट्टान, इन चट्टानों को यहाँ पर एक रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, और यहीं से विभिन्न मठों को की ओर ले जाया गया। देख पा रहे हैं, ये देखिए विभिन्न स्वरूपों में चट्टानों को यहाँ पर रूप दिया गया। ये देखिए देखिए आप छः का ये विशाल चट्टान चक्की चट्टान से काटा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं उस मठ की ओर जिसे कहते हैं आला उदल का मठ। तो दोस्तों, इस पूरे पर्वत पर चंदेलकालीन सिल्क के चंदेलकालीन सिल्क के अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए। तो ये वो मठ है दोस्तों, आगे मेरे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये भी चंदेलकालीन मठ है और इसे आला उदल का मठ कहते हैं दोस्तों। ये देखिए आला उदल का ये मठ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कौन मठ कहा जो चंडी माता का मठ, आला उदल का मठ कहते हैं इसको। देखिए हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। यहाँ पर गोबर गोमूत्र प्रचुर मात्रा में है दोस्तों। यहाँ पिकनिक बनाते हैं, पूरा धुआं धुआं हो रहा है, कोई रखा भी नहीं है। चंदेलकालीन है ये मठ और अब इसे चंडी माता मठ कहा जाता है, जबकि ये वास्तव में आला उदल का मठ है। मंदिर तो नहीं है, कोई ना कोई मूर्ति है, कुछ ना कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही गोबर खा रहा है, बहुत ज्यादा कहा मूर्ति मूर्ति खा रही है। इसलिए केवल तीन ऊंचाई बची हुई संख है। द्वार के ऊपर मूर्ति स्थित है, इस मूर्ति से साबित होता है कि ये मंदिर विष्णु जी का होगा। हालत बहुत ज्यादा खराब है, सब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। ऊपर चलते हैं, ऊपर शरीर खाते हैं आपको, इसमें क्या है। ये पानी ऊपर दिया, अभी रखा है इसको। आप नहीं करने की बात नहीं, मैं लेके रहा हूँ, तो पहले से रखा है कि अभी कभी रख दिया इसको? पहले से रखी है, पहले से स्ट्रक्चर पहले से दिया गया स्थाई बना ही, और उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ होगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, नहीं तो ये और ऊपर इसको बनाने का होगा था। मगर क्यों नहीं बनाया, क्या हुआ, ये सोच का विषय है दोस्तों। लगभग 10x10 का ये विशाल शिलाखंड है, इस मठ के ऊपर रखा हुआ है। अस्थायी पत्थरों के द्वारा इसको ऊपर किया गया है, पक्का निर्माण का किया जाना था मगर नहीं किया जा सकता। इस विशाल चट्टान की दरार आ गई दोस्तों, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक की दरार आ गई। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं, इस अस्थायी सीढ़ी का निर्माण भी किया गया है इस मठ के ऊपर जाने तक के लिए। आप पत्थर होंगे 12 दिन मतलब अच्छा, लगभग 25 फीट ये चौड़ा है और लगभग 20 फीट। अब हम आ गए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। अभी हमें, अब मैं जहाँ से आया हूँ बोलो, अजीब सा रास्ता था दोस्तों। अभी मेरी गाड़ी रखी हुई है, अब यहाँ से हम दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे।